अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरण शॉपिंग सीक्रेट। हमारा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहां पर आप लोग घर बैठे इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको ब्रांडेड हैंडबैग्स, ब्रांडेड ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, रेडी टू वेयर ड्रेसेस, तमाम आइटम्स मिल जाते हैं इस तरह के, जिस तरह की चीज़ें आप टीवी ड्रामास में देखते हैं, और जी मार्केट प्राइस से कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। लेकिन आज जो है हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी शॉपिंग के हवाले से। आज 14 अगस्त है तो हमने सोचा 14 अगस्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैसेज कर बताइएगा मुझे कि आप लोग मेरी राय से जो है इतफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते। ये जो 14 अगस्त है हमें क्या बाजे बजा बजा कर मिली है, ये जो है हमें आज़ादी क्या इस तरह से मिली है, हमें आज़ादी किस तरह से मिली है नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या? हमें तो ये बताना चाहिए ना, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, कितनी जानें गई हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और फिर उसके बाद जाके हमें ये पाकिस्तान मिला है और उसके बाद आज़ादी मिली हमें। और आज हमारे इस पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है और इसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क में कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको देखो बेचारा बेरोज़गार है, और फिर बाजे कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और हम ही ख़रीद कर दे रहे हैं ना अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को। बाजों की कीमत क्या है, 500-600 इस तरह के रेट में ही मिल रहे हैं। क्या 500-600 की कोई अहमियत नहीं है? हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि यार एक पौधा लगा लो, उसको पानी डालो, वो बड़ा होगा दिन ब दिन और वो छाएँ देगा, इसका हमें सवाब भी मिलेगा। अच्छी बुरी चीज़ हम ही सिखाएंगे ना हमारे बच्चों को। और हम 14 अगस्त को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, रात के 12 बजे निकल जाते हैं और फायरिंगें कर रहे होते हैं, बाइक की रेसिंग हो रही होती है, फुल टाइम मौज मस्ती, और किस तरह की मौज मस्ती हो रही होती है बाहर जो लोग निकलते हैं उनको पता है। और ज़्यादातर जो मौजूद लोग होते हैं वो थोड़ा सा कतरा रहे होते हैं इन वक्तों में बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जगह जगह पर जो है ना इतना ट्रैफिक जैम करके बैठ जाते हैं, इतना ज़्यादा रास्ते ब्लॉक कर देते हैं हर जगह के, जो है ना मेन चौरंगियाँ जो होती हैं ना पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो है बिल्कुल रास्ते ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ पर जो है मिली नगमे वगैरह हो रहे होते हैं। करें भाई, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप रास्ता तो ब्लॉक नहीं करें, ट्रैफिक तो जैम ना करें। आज मैं अपने घर से अपनी मामा के घर आ रही थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम, इतनी देर तक जो है हम रास्ते में रुके रहे। मैं ये सोच रही थी अगर इस रास्ते में कोई एम्बुलेंस हो और कोई बीमार शख्स हो, उसको हमें हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो वो बेचारा कैसे पहुंचेगा। और एक जगह तो गए, वहाँ का रास्ता बिल्कुल बंद करा हुआ उन्होंने अपने प्रोग्राम की वजह से कि हम वहाँ से नहीं जा सकते, आप घूम कर जाएँ। तो क्या ऐसा करना चाहिए? हमें अपनी ज़ात से किसी को इतना परेशान करना चाहिए कि बंदा इतना परेशान हो जाए कि बाहर आज के दिन वो निकल ही नहीं सकता? ऐसा क्यों? मुझे कोई बता दे यार ये बाजे वगैरह कम से कम इसको बंद करवा दीजिए, हमारी हुकूमत से कहिए कि इसको बंद करा दें, इतना ज़्यादा ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इससे फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ही बच्चे इसकी ज़िद्द करते हैं ख़रीदने की, और पेरेंट्स जो हैं मेरे ख्याल से मजबूर होकर दिला देते हैं उनको, और जबकि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं दिलानी चाहिए इस तरह की चीज़ें। क्या बाजे बजाकर हमें आज़ादी मिली है भाई? बताइए ज़रा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग अगर बात करेंगे, आकर बताएंगे कि 14 अगस्त हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें अच्छे अच्छे से पैकेजेस देने चाहिए। मार्केटें जो हैं भरी होती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं, इसमें तो और ज़्यादा आपको डिस्काउंट देना चाहिए लोगों को, और खुसूसन इन बाजों को प्लीज़ बंद कर देना चाहिए। जो लोग मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, और किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो भाई मैं माजरत करती हूँ, दिल से माजरत करती हूँ, अपनी बहन की बातों का बुरा ना मानिएगा। और जी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, आज़ादी सबको मुबारक, अल्लाह हाफिज़।